अक्षय तृतीया, जिसे अक्षय तीज भी कहा जाता है, यह हिंदू धर्म के अनुसार साल के सबसे चार पवित्र दिनों में से एक है। अक्षय का अर्थ है जो कभी नष्ट ना हो। यह माना जाता है कि इस दिन जो भी कार्य किया जाता है या जो भी खरीदा जाता है वह बहुत ही शुभ होता है और जीवन में उन्नति और तरक्की लेकर आता है, प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है। नया कार्य, नया व्यापार, गृह प्रवेश या शादी आदि के लिए ये दिन सर्वोत्तम माना जाता है। इस दिन की इतनी महत्ता क्यों है? इसके पीछे कई मान्यताएं हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान राम के जन्म के साथ त्रेता युग का आरंभ हुआ था। यह भी माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही महाभारत की जो कथा महर्षि वेदव्यास ने कही है, गणेश जी ने उसका लेखन आरंभ किया था। भगवान कुबेर, जिन्हें धन का देवता माना जाता है, देवी लक्ष्मी की आराधना के फलस्वरूप उन्हें अक्षय तृतीया के दिन ही अकुट धन संपत्ति की प्राप्ति हुई थी। अक्षय तृतीया के दिन ही पवित्र नदी गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था। कहा जाता है कि एक बार सुदामा, जो कि श्री कृष्ण के परम मित्र थे, श्री कृष्ण के पास आर्थिक सहायता मांगने के लिए गए। सुदामा श्री कृष्ण के लिए उपहार स्वरूप एक पोटली में पोहा लेकर गए थे। श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से उनका ये उपहार स्वीकार किया, पर सुदामा श्री कृष्ण के आदर सत्कार को देखकर, उनके प्रेम को देखकर और अपनी गरीबी से लज्जित होकर उनसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में कुछ भी नहीं कह पाए और भगवान से बिना कुछ कहे ही वापस लौट आए। पर भगवान कृष्ण उनके बिना कुछ कहे ही उनकी मन को बात को जान गए। जब सुदामा घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनका पूरा घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया है। यह दिन अक्षय तृतीया का ही दिन था, इसीलिए कहा जाता है कि भगवान से इस दिन जो भी सच्चे दिल से मांगो वह जरूर प्राप्त होता है। यह भी कहा जाता है कि सूर्य भगवान ने वनवास के दौरान युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया था, जिसमें कभी खाना खत्म ना हो, वो अक्षय तृतीया का ही दिन था। अक्षय तृतीया के दिन ही दुशासन के द्वारा चीर हरण होने पर भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की थी। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि इसी दिन भगवान परशुराम और माता अन्नपूर्णा का जन्म हुआ था।